आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वी के जैन ने बदरपुर विधायक पर आरोप लगाया है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और वो किसी बात के विकास पुरुष नहीं। श्री वी के जैन ने बताया, पंजाब में जीत के कारण केजरीवाल सरकार के वादे और काम का पैगाम। इस बार दिल्ली के निगम के चुनाव में श्री आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। जो पंजाब में हमारी जो जीत हुई है उसके लिए हम पंजाब वालों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सच्चाई ये है, पंजाब ने हमारी पार्टी के लिए कमाल कर दिया और देश में जो एक नई तरह की राजनीति करने का हमें मौका दिया। देखिए, अन्य राज्यों में क्या है कि अभी हमारा जो संगठन खड़ा नहीं था, वहाँ पहले से ही हमारे पास 24 विधायक थे। पार्टी के 24 विधायकों के कामों को देख करके पंजाब के लोगों को लगा कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ हमारा बिल्कुल धरातल पर संगठन भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो है अभी हमारा कुछ नहीं हो पाया। अभी हमारा वहाँ पर प्रयास जारी है और आने वाले फ्यूचर में जो है हम बहुत अच्छा करेंगे वहाँ पर। निश्चित तौर से सभी राज्य हमारे हाथ में होंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब कई राज्य हमारे हाथ में होंगे और देश की सरकार भी हमारे हाथ में। पंजाब की जीत से गदगद पूरी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में जश्न का माहौल रहा, क्या लगता है 2022 में जो MCD चुनाव होने वाले हैं वो जीत दोहराई जा सकती है? 100% दिल्ली के अंदर MCD का 2022 में जो भी चुनाव होगा हमारी पार्टी उसमें भारी मतों से जीत करके आएगी और कम से कम आज की तारीख में भी हम 250 से अधिक सीटें जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए तो ये कुछ चक्र रच करके जो है इन चुनावों को आगे बढ़ाया है, इनको कैंसिल किया है और जो है नए तरीके से एकीकरण का बहाना है और बाकी उनको MCD के चुनाव से भागना है। बदरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं रामवीर सिंह भिदूड़ी, वो दिखते नहीं है। आप लोग आम आदमी पार्टी बार बार प्रदर्शन करती रहती है कि विधायक क्षेत्र से गायब है और लूटखोरी मचा रखी है, ये बात सच है? देखिए, रामवीर सिंह भिदूड़ी दिखाई नहीं देते, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्षेत्र के लोग बड़े परेशान हैं, आप लोगों को भी वो कम उपलब्ध होते होंगे। जितना हमारी पार्टी के लोग उपलब्ध होते हैं उतना वो उपलब्ध नहीं होते हैं। और जहाँ तक लूट का सवाल है कि नहर पार जो ओजोन लगा हुआ है वो पूरी तरीके से केवल लूट का ही एक भाग है, क्योंकि बार बार उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम ओजोन हटाएंगे। एक बार तो घोषणा भी कर दी गई कि ओजोन गोजोन हो गया है और उसके बावजूद भी आज तक ओजोन के नाम पर गरीबों को लूटा जाता है। जब भी कोई मकान बनता है मोटी रकम यहाँ तक के प्रतिगज के हिसाब से तय किया जाता है कि मकान कितना बड़ा बन रहा है कितना छोटा बन रहा है और उसके हिसाब से कीमत ली जाती है। ये लूट नहीं है तो और क्या है? हर चुनाव में ओजोन ही मुद्दा बनता है, क्या इस बार MCD चुनाव में भी ओजोन ही मुद्दा रहेगा? देखिए, जो समस्या होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब समस्या को वो तभी ख़त्म होगी जब उस समस्या को ख़त्म किया जाएगा। ओजोन एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर रामवीर सिंह भिदूड़ी ने उसको ख़त्म करने का आश्वासन तो दिया लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया। जब तक वो उसे ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये मुद्दा बना रहेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का ना तो यहाँ पर कोई जो है काउंसलर है, ना कोई विधायक है, ना कोई पार्लियामेंट में मेंबर है। ये सेंट्रल का मुद्दा है क्योंकि DDA के अंदर आता है और जब DDA के अंदर जो सेंट्रल टीम में जो पार्लियामेंट के जो हमारे मेंबर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के श्री रमेश भिदूड़ी जी, और जब तक रमेश भिदूड़ी जी इस मामले में प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय के गाइडलाइन में उसकी डायरेक्शन पर ही DDA इसमें कोई कार्रवाई करेगा तभी वो जो उनका मुद्दा है। जहाँ तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी पहले भी तैयार थी ओजोन हटाने के लिए, अब भी तैयार है। हमारे जो प्रयास थे वो पहले भी थे और अब भी हैं। हम आज भी जो प्रयास हमारे से करवाने हैं या जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जब सबको पता है कि मुद्दा ही केंद्र का मुद्दा है, ये DDA का मुद्दा है। DDA के यहाँ प्रदर्शन क्यों होते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 2008 को DDA ने ऑब्जेक्शन एंड सजेशन मांगे थे। उस वक्त जो है श्री रामवीर सिंह भिदूड़ी जी जो है वो विधायक थे और उन्होंने उस लेटर का जवाब नहीं दिया, इसलिए ओजोन लगा। फिर ओजोन लगने के बावजूद किसी तरह से ओजोन से वो एफ जोन में कन्वर्ट भी हुआ, जो राम सिंह नेताजी के प्रयासों से हुआ, और उसके बावजूद दोबारा से किसी ने स्टे ले लिया। आज अगर रामवीर सिंह भिदूड़ी दिल से चाहें तो ये ओजोन का मुद्दा हल हो सकता है, और हल हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो पहले ही आश्वासन दिया है कि हल हो जाएगा, हम करवाएंगे, हल हो चुका है, लेकिन सच्चाई है कि हल नहीं हुआ और आज भी ओजोन लगा हुआ है। दिल्ली में लगातार BJP आम आदमी को घेरने की तैयारी में है शराबबंदी के मुद्दे पे। एक तरफ पंजाब में केजरीवाल सरकार कहती है कि नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है, दिल्ली में अवैध शराब बिक रही थी। अवैध शराब से लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती थी, बीमार हो सकते थे, मर भी सकते थे। ऐसे भी घटनाएं देश के अंदर हुई हैं जो अवैध शराब से होती हैं। देसी शराब और अवैध शराब को रोकने के लिए केजरीवाल जी ने जो है जो ठेके हैं वो पहले से कम हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि ठेके बढ़ाए गए हैं, ठेके बिल्कुल नहीं बढ़े। आप जाकर के गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पहले से ठेके कम हुए। सिर्फ इनका क्या किया गया, पहले एक छोटी दुकान में चलते थे, अब एक बड़े इसको रूप दिया गया है। और यहाँ तक सवाल है रेट्स का, हर चीज़ का,
मतलब हम ये चाहते हैं कि दारू तो बेचना या बिकना बंद नहीं हो सकती, पीना ही बंद नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ मतलब जो है शराबबंदी है, जैसे बिहार में, गुजरात में, वहाँ भी लोग दारू पी रहे हैं और वहाँ भी बिक रही है। यहाँ तक है कानून व्यवस्था और ख़राब हो रही है, वहाँ चोरी छुपे चीज़ बिक रही है। फर्क इतना सा है कि यहाँ पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में शराब बंदी नहीं है और वहाँ पर जो है दारू के ठेके हैं, इसी तरह से यहाँ पर हैं। आबकारी नीति लगभग समान है, किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि दारू से हम जो नशा मतलब नशा युक्त कर देंगे दिल्ली को। बीजेपी लगातार जगह जगह पे प्रदर्शन कर रही है शराबबंदी को लेकर के, एमसीडी में इस बार चुनाव का मुद्दा भी यही होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? बीजेपी जो हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने कर्नाटक के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर क्यों नहीं प्रदर्शन करती है? क्या वहाँ शराब के ठेके नहीं है? क्या वहाँ शराब नहीं बिकती है? ये तो सिर्फ यह है कि रेवेन्यू अगर हमारे पास आता है शराब के थ्रू तो वो गलत है, अगर उनके पास आता है तो अच्छा है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? आज पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके अंदर जो बताया गया कि इस बार पंजाब की राजनीति बहुत बढ़िया लेवल से चलेगी, तो इस बार होली पे आम आदमी पार्टी किस तरीके से होली मनाएगी और होली पे क्या संदेश रहेगा देशवासियों? देखिए हम जो है सबके साथ एक तरह का व्यवहार लेकर के चलते हैं, हम मिलजुल करके मिलने जुलने की राजनीति करते हैं, हम भाईबंदी की राजनीति करते हैं, हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा पहले से ही सिद्धांत है आम आदमी पार्टी का, हम देश में जो है सबके साथ भाईचारा कायम करते हैं, भाईचारे की राजनीति करते हैं। होली का त्यौहार भी हमें यही संदेश देता है, हम आपस में भाईचारा रखें, हम कोई बंटवारे की राजनीति नहीं करते, ना हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ना मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। और उस मामले में हमारी पार्टी जो है इस मुद्दे पर पहले से ही स्पष्ट नीति है उसकी और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहें। मेरा नाम सोनिका जैन है और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है और मैं दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर वर्किंग थी और अब मैंने अपना रेजिग्नेशन आगे डाल रखा है। सोनिया जी, पार्टी के लिए क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी किस तरीके की पार्टी है आपकी नज़रों में? मेरी नज़र में आम आदमी पार्टी एक ईमानदार, जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी जो है ईमानदार शरीफ आदमी जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां जो भी रही हैं उन्होंने हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट और आपस में भेदभाव की नीति अपनाई, परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी जो हैं जिन्होंने सभी को, सभी धर्मों को, सभी को एक साथ लेकर के और न्याय को साथ में लेकर के कार्य किया है और सबको सन्मत आगे बढ़ाया। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे अगर आपको यहाँ से टिकट मिल जाता है निगम पार्षद का तो? यदि मुझे निगम पार्षद का टिकट यहाँ से मिल जाता है क्षेत्र से, सबसे पहले तो जो पार्षद के जो भी कार्य हैं वो कार्यों को मैं अच्छे से करूँगी, जैसे हमारे क्षेत्र में साफ सफाई हो गया, नालियों में जो गंदगी है समय समय पर उनको साफ, उनके लिए जो भी इंतजाम किया जाएगा, कूड़े को समय पर उठवाया जाएगा, उसका ध्यान रखूँगी, क्योंकि इससे महिलाओं को दिक्कतें आती हैं और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में हमारी गलियों में स्ट्रीट लाइट जो एक बार लग जाती हैं वो बंद, खराब होने के बाद दोबारा कोई ठीक करने के लिए नहीं आता है, उस पर मैं विशेष ध्यान रखूंगी, क्योंकि रात्रि में जो महिलाएं हमारी ड्यूटी करके आती हैं उन्हें अंधेरे की वजह से कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं से वो सामना ना करें इसलिए मैं उस पर भी ध्यान दूंगी। अभी होली का त्यौहार आने वाला है, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? होली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और मैं आप सभी को, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी को मिलकर के भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत से ये त्यौहार मनाना चाहिए, सभी भेदभावों को दूर करके और आपस में मिलजुल करके त्यौहार मनाना है और मिलजुल करके साथ में रहना है।